नमस्ते व्यूवर्स, ऑटो सिंह पे आपका फिर से स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले हम आपके लिए लेके आए थे होंडा अमेज और होंडा सिटी का जो एक रिव्यू है, जो नई होंडा अमेज और नई होंडा सिटी 2023 का रिव्यू है उसके साथ। इसके बाद व्यूवर्स हम आपके लिए लेके आने वाले बहुत ही दिलचस्प सीरीज। ये सीरीज में एक से ज़्यादा वीडियोज़ होंगे जहाँ तक हमने अभी तक सोचा है। तकरीबन कम से कम 3 वीडियोज़ इस सीरीज़ में होंगे। ये सीरीज़ होगी इस गाड़ी के ऊपर, मारुति वैगनार 2019। जी हाँ, जो ये नई वाली वैगनार है, इस सीरीज़ के ऊपर, इस गाड़ी के ऊपर ही पूरी सीरीज़ होगी। मॉडल होगा LXi CNG। इस सीरीज़ में हम आपको बताएंगे सबसे पहले गाड़ी के रिव्यू के बारे में, गाड़ी है कैसी, गाड़ी में क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं आपको। ये आपको हेल्प करेंगे अगर आपको एक नई वैगनार लेनी है उसके लिए। उसके बाद व्यूअर्स, अब अगर आपके पास नई वैगनार ऑलरेडी है या आपके पास कोई दूसरी गाड़ी आप बदलना चाहते हैं, आप दूसरी कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, एज अ यूज्ड कार वैगनार को प्रेफर कर रहे हैं, तो जो सेकेंड वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे वो होगा एक ओनरशिप का वीडियो। यानी कि ये वीडियो जो होगा वो आपको वैगनार के बारे में कि वैगनार चलती कैसी है, वैगनार 2019 CNG में पिकअप कैसा है, तकरीबन क्या माइलेज आपको मिल जाती है, क्या चीज़, क्या कारण है जिससे, जिसकी वजह से आपको वैगनार लेनी चाहिए, और हाँ, क्या कारण है जिसकी वजह से आपको वैगनार नहीं लेनी चाहिए। ये होगा सेकेंड वीडियो में। और जो थर्ड वीडियो होगा व्यूअर्स, वो होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जो आपको आज तक मेरे ख्याल से किसी भी YouTube चैनल पर देखने को नहीं मिला होगा। थर्ड ओनरशिप रिव्यू नहीं होगा, ओनरशिप कॉस्ट के ऊपर वो वीडियो होगा। तो हम आपके लिए लेके आएंगे ये गाड़ी जो कि तकरीबन 57,000 किलोमीटर चल चुकी है, 60,000 किलोमीटर इस गाड़ी के होने वाले हैं, बहुत सारी सर्विसेज इस गाड़ी ने देख ली है, बहुत सारे बॉडी शॉप वर्कशॉप का काम इसने देख रखा है, इसने रोड साइड असिस्टेंस फीचर भी यूज करा हुआ है। तो ओवरऑल गाड़ी का क्या ओनरशिप कॉस्ट आता है 4 साल रखने में, ये हम आपको बताने जाएंगे थर्ड वीडियो में। आपको हम YouTube पर पहली बार आपको हम दिखाएंगे रसीद के साथ कि कितना कॉस्ट एक वैगनार की सर्विस का आता है पर सर्विस के ऊपर। तकरीबन 57,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, और 57,000 किलोमीटर पर गाड़ी चलाने का क्या कॉस्ट आपको आता है। इस कॉस्ट में हम इंक्लूड करेंगे आपके चार्जेस जो कि आपको कवर अप करेंगे, आपके अगर टायर रिप्लेसमेंट हुआ है उसके लिए, बैटरी रिप्लेसमेंट हुआ है, क्लच प्लेट, वट एवर। सो जो भी वैगनार 2019 मॉडल, जो नया मॉडल है, एक नई मॉडल वैगनार 4 साल में आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगती है, आपकी जेब पर कितना भारी पड़ती है, ये आपको हम थर्ड वीडियो में बताएंगे। और मेरे ख्याल से व्यूअर्स, ये वीडियोस, ये पूरी सीरीज आपको हेल्प करेगी दोनों ऑप्शन में। अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो नई गाड़ी के लिए, और आप एक यूज्ड वैगनार लेना चाहते हैं नई वाली LXi CNG उसके लिए भी। तो बने रहिए ऑटो सिंह के साथ, बहुत ही जल्दी हमारे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो वो भी हम तक ज़रूर पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।